नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत की लंदन डायरी में। तो आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष जो एक जानकारी, रोचक तथ्य लेकर आई, आपको मालूम होगा या कुछ को मालूम नहीं भी होगा, लेकिन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें तो ज़रूर मालूम होगा कि हेलोवीन आ रहा है। 31 अक्टूबर को, साल के जो अक्टूबर में 31 आता है, उस हमेशा एक ही डेट फिक्स है। जैसे 25 दिसंबर होता है, 1 जनवरी होता है, ऐसे ये 31 अक्टूबर को हमेशा हेलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सेलिब्रेट होता है, और अब तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो जो अराउंड द ग्लोब जो भी सेलिब्रेशन होता है वो उनको सब मालूम होता है बच्चों को। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्या ये लोग जो स्केल्टन होते हैं या जो स्कैरी चीज़ें होती हैं उनको मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है। तो मैं ये रोचक तथ्य आपके सामने लाना चाहती थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि किस तरह से सेलिब्रेशन होता है, इसका मतलब क्या है, तो आपके सामने पेश करती हूँ ये पहला तथ्य। हमारी भारतीय संस्कृति में पितरों की पूजा की जाती है, और स्पेशली हमारे यहाँ साल में एक जो 15 दिन होते हैं वो हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष, जिसमें जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जब तक उनको उनको मोक्ष नहीं मिल जाता है, वो किसी ना किसी योनि में भटकते रहते हैं। तो उनकी वो जो भटकते रहते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, वो जिस भी रूप में है उसमें उनको तृप्तता हासिल हो, संतृप्ति मिले। तो उनका जो पसंद का, उन जो भी फूड आइटम होता है, जो भी खाने का होता है, जो भी वस्त्र होते हैं, और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हम दान कर सकते हैं हर किसी को, ब्राह्मणों को भी, गरीबों को भी, और जिनको आवश्यकता है, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, वृक्षों को भी, वृक्षारोपण भी करते हैं, वृक्ष की पूजा भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। इन द सेम मैनर, उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पूरा हेलोवीन वीक क्या पूरा मंथ मान लो जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता है। और उसके पहले यहाँ होता है, स्कूलों में टर्म एंड बोलते हैं उसको, मतलब ये बस ऑटम नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, उसके पहले, विंटर आने के पहले टर्म एंड होता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो इसमें भी कुछ लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, कुछ क्रिश्चियंस, और कुछ नहीं करते हैं, वो एक बात का मैटर है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, यूएस में तो हेलोवीन बहुत जोर शोरों से सेलिब्रेट होता है, यूके में भी होता है, बट इतना जोर शोर से नहीं होता है, होता है। जो जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वो सब इन चीज़ों से, जो भी आइटम होता है उनसे लदे हुए भरे हुए रहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे फल और जो होता है मिठाइयाँ, या जो भी हमारे पूर्वजों का पसंदीदा स्वीट होता है आइटम, उसको हम दान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, और या अपने रिश्तेदारों को, या जो उनका प्रिय होता है उसको खिलाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और जो यहाँ पे एक वर्ड होता है, ट्रिक्स एंड ट्रीट, तो हम लोग यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो ये हम बोलते हैं ना पंपकिन से डरा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। स्कैरी कहानी है, वो कहानियाँ अलग बात है कार्टून और ये सब एनिमेशन में, लेकिन वो उसको बाहर रखते हैं, उसमें एक लैम्प, जैसे हम दिया चलाते हैं जी, उसमें वो लोग भी छोटी सी मोमबत्ती लगा के बाहर रखते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं वो हमारे यदि घर आते हैं तो वो खुश होके जाए। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो जो लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं वो अपने घर के बाहर इस तरह का पंपकिन रखते हैं।
तो वो जो स्कैरी बना दिया जाता है वो ऐसी होता है कि कद्दू जो रहता है ना, यहाँ के कद्दू बहुत बड़े बड़े और बहुत हार्ड होते हैं। उनका कलर भी जो आप अपन लोग टेलीविज़न में देखते रहते हैं कि येलो और थोड़ा सा नारंगी लेकर होता है, हमारे यहाँ पूरे पीले पीले हरे पीले कद्दू होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑरेंज कलर मान के चलो वैसा होता है। तो उसका ये लोग सूप पीते हैं और उसी को इस आकार में काट के उसके अंदर लैंप जला के या कैंडल जला के रखते हैं। तो उससे पता चलता है कि आप हेलोइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब बच्चे शाम होती है 31st की नाइट इवनिंग में बच्चे जाते हैं आपके घर में नॉक करते हैं, और यदि वो आपको एक बार बोलते हैं ट्रिक्स और ट्रीट, तो ट्रिक्स का मतलब होता है कि आप उनको कुछ करके दिखाएंगे वो जो आपको बोलेंगे, या ट्रीट में आप उनको चॉकलेट्स या कोई गिफ्ट दे सकते हो। तो भाई ऐसे यहाँ पर हेलोइन का सेलिब्रेशन होता है। अब रही बात की स्केल्टन और ये सब जो टंगे रहते हैं डरावने रहते हैं, वो बच्चों के लिए ज़्यादा होते हैं, उसमें वो उस तरह का गेटअप लेते हैं। अब हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति में कि हम उनको दान करते हैं, हम आत्मा का रूप मानते हैं। और यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े ये सब बच्चों का उन्होंने मतलब मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है डराने धमकाने के लिए जो भी है, लेकिन ये लोग भी किसी ना किसी रूप में अपने पितरों को याद करते हैं। मेरा मोटिव बस यही था कि हेलोइन का जो मोटिव है, मतलब है, क्या क्या तथ्य है हेलोइन सेलिब्रेट करने के पीछे यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये लोग भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हीं की याद में ये पूरा वीक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 दिन होते हैं ऐसा यहाँ पर भी होते हैं। तो ये है हेलोइन से जुड़ा एक रोचक तत्व, ये रोचक तथ्य जो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा सा आपका नॉलेज भी बढ़ा होगा कि हेलोइन क्या होता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है।